नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पेपर एनालिसिस। आज हम देखेंगे 25 अगस्त की शिफ्ट 1 का मैथ्स का कंप्लीट पेपर। सॉल्यूशन जो होगा बिल्कुल सरल भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिससे कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जिनके पेपर अभी हुए नहीं है आने वाली शिफ्टों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ जाए कुछ नहीं पता, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो से हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक डेटा पाई इधर बार ग्राफ दे दिया है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट के अलग अलग चीजों के दाम दे दिए हैं। लैपटॉप ये मार्क प्राइस दे दिया, उनका अंकित मूल्य दे दिया। अब ये कहता है कि लैपटॉप का अंकित मूल्य जो है 15% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहां से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 15% ज्यादा होने का मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस के 115% जो होगा वो उसके मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा, जो कि लैपटॉप के अंकित मूल्य की जो दाम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15,000 रुपए। ठीक है, अब यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस यहां से आ जाएगा 5 से ये 23 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 20 बारी में, तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3 लाख। ठीक है ना, 3 लाख बटे 23 ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये कहता है कि ये दुकानदार 10% की छूट दे देता है उसके अंकित मूल्य पे। 10% की छूट देने का मतलब ये है कि 15,000 रुपए पे अगर 10% की छूट देता है तो उसका मतलब उसके 90% पे वो बेच देता है, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो यहां से अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा ये हमारा सेलिंग प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1,13,500, है ना, ये आ जाएगा हमारा कितना सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि कितना उसको लाभ हुआ होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 13,500 रुपए, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया, ये 3 लाख बटे 23 आ गया। अब इसको जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3,10,500। ये इसमें से हमें माइनस करना होगा कितना, ये 3 लाख अपॉन 23, ठीक है। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,500। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया था ये, तो ये पहले अटेम्प्ट में नहीं करना था आपको, दूसरे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट में जब आपके पास समय बच जाए तब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ये प्रॉफिट आ गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज हम क्या करेंगे, इसी को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा आया था ये 3 लाख, है ना, 3 लाख बटे 23, यहां से 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या है, ये 23 से 23 चला गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, तो आ जाएगा ये 105 बटे 30। तो 3 से ये सीधा सीधा कितने, 3.5 बारी में चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे एक 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट के बाद। तो जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, लाभ प्रतिशत, वो 3.5% आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्वे के अनुसार, देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, कैसे मान लेते हैं ये तीन चीज दे रखी है इसके अंदर। क्या क्या दे रखा है कि कुछ लोग जो हैं क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ हिंदी पढ़ते हैं और कुछ रीजनल पढ़ते हैं, यानी कि प्रांतीय भाषा जो है उसके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल जो कुल कितने हैं, 21 लोग हैं। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, 26, और रीजनल भाषा पढ़ने वाले कितने हैं, 29। यहाँ पे आपको सब डेटा दिया है, 21, 26, 29। अब यहाँ देखिए 14 वो लोग हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते हैं, तो ये 14 आ जाएगा इंग्लिश हिंदी वाला, ठीक है। 15 वो लोग हैं जो हिंदी रीजनल दोनों पढ़ते हैं, ये आ गया 15। अब उसके बाद क्या है, 12 वो लोग हैं जो इंग्लिश और रीजनल दोनों पढ़ते हैं, तो ये आ गया 12। अब 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं, ये 3। हमें आंसर बताना है किसका, कि केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ने वाले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके, है ना। हमें जो है आंसर जो बताना है वो ये बताना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रीजनल पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर आप इस सर्कल के अंदर देखेंगे तो ये जो 15 और ये 12, इसमें 8 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, तो यहाँ पे एक बार 8 और लिख दिया गया है। तो हम क्या करते हैं ऐसे में कि ये 15 प्लस 12 में से 8 माइनस कर देंगे, तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 15 और 12 यानी कि 27। अब 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया कितना, ये 19। तो ये 19, तो ये इन टोटल क्या हो गया, 19। अब टोटल लोग जो रीजनल प्रांतीय क्षेत्रीय न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो थे 29, अब उसमें से 19 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 10। तो ये 10 के एकमात्र केवल 10 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो कोई भी और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10, है ना।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद वीडियो का जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो की स्पीड कम करके देखिए दोबारा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये ऑपरेटर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ए ये एक ऑपरेटर का साइन है, जब ये वाला ऑपरेटर आता है तो इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन होता है कि ये दोनों माइनस हो जाते हैं। तो अब हमें पी और ये ऑपरेटर क्यों निकालना है, जहां पी की वैल्यू 6 दे दी है, माइनस हो जाएगा क्यू की वैल्यू 4, तो 6 में से 4 गया 2, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों ने एग्जाम में इसका सही उत्तर दिया होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कहता है कि दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 17:3 का, ठीक है ना। अब इसके अंदर कितना दूध मिला दिया जाए कि जो ये अनुपात है वो 7:3 हो जाए। तो देखिए इसमें दूध मिलाया गया है, तो पानी को जो है हम बराबर कर लेते हैं। पानी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी पानी बराबर हो गया, यहाँ भी पानी बराबर हो गया। अब यहाँ पे दूध कितना बड़ा है, यहाँ दूध जो है 4 यूनिट बड़ा है। अब यहाँ से एक चीज और देखिए कि ये जो 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, ये हमको 40 लीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि शुरुआत में 40 लीटर का ये मिश्रण था, तो ये सीधा सीधा 2 गुना है, तो ये 4 यूनिट भी 2 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 8 लीटर इसके अंदर दूध मिलाया गया होगा इसके अनुपात को 7:1 करने के लिए। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 लीटर। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चावल की 20% की दाम में कमी आने की वजह से, देखिए 20% का कमी का मतलब क्या होता है, एक का कमी 5 पे, तो मान लेते हैं ये प्राइस हो गया है ना, प्राइस अगर 5 यूनिट था पहले तो अब 4 हो गया, तो जो इसकी खपत हो गई कंजप्शन हो गई वो इसका उल्टा हो जाती है, अगर पहले 4 थी तो अब 5 हो जाएगी। तो ये एक यूनिट की जो बढ़त है इसी का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है कि अब वो 125 किलो ज्यादा खरीदता है, तो अब पहले वो इसका मतलब कितना खरीदता था, इसको 125 से गुना कर देंगे 4 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 500 किलो, तो यानी कि वो पहले 500 किलो चावल खरीदता था, तो ये किसके बराबर हो गया कि वो पहले 8,000 रुपए में 500 किलो चावल खरीदता था, तो 1 किलो का दाम यहां से कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 से ये 16 वाली में चला गया, तो यानी कि 16 रुपए प्रति किलो जो है इसका दाम आ जाएगा पहले चावल का, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि 16 रुपए प्रति केजी इसका प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम जो है वो 16 रुपए आ गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये मेरा फेवरेट तरीका है, इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो ये जो है आपको इसी तरीके से आप इसमें सारे तरीके के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये उनका एवरेज हो गया, ये सम हो गया, सम जो होता है वो नंबर इनटू एवरेज हो जाता है ना, क्योंकि एवरेज हम जैसे जानते हैं क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है ना, तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज और नंबर का गुणा, ठीक है ना जी। अब यहाँ देखिए कि 9 नंबर का जो एवरेज दे रखा है 30, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका गुणा 270, और पहले 5 नंबर का एवरेज अगर 25 है तो इनका सम कितना हो गया 125, लास्ट के 3 नंबर का जो एवरेज है अगर वो 35 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये इनका सम हो जाएगा हमारा 15, 10, 105, तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 230, तो यानी कि अब ये 270 में से ये 230 को अगर हम माइनस कर दें तो बचा कितना हमारा 40, तो यही पूछ रहा है कि छठा नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन बी 40 इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आपने सही आंसर टिक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज मंथली इनकम जो है, देखिए सेम वही करूंगा मैं, यहाँ पे नंबर लिखूंगा और एवरेज मंथली इनकम यहाँ पे 1400 हो गई है ना, तो अगर सम की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे 2800 हो गया है ना। अब यही सेम इसी तरीके से, और बी और सी की अगर मैं बात करूं, एवरेज मंथली इनकम वो 1560 दे रखी है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये 3120 हो जाएगा, ठीक है ना, जब 1560 को 2 से गुना करेंगे। अगर C प्लस A का एवरेज जो सैलरी दे रखी है मंथली वो 1440 रुपए दे रखी है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये 2880 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 2 times A प्लस B प्लस C आ जाएगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा ये 8800 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 से यहाँ कट के कितना हो जाएगा, ये 4400। अब हमें क्या करना है, सी की मंथली इनकम निकालनी है ना, किसकी इनकम निकालनी है, मंथली सी की, तो हम ए प्लस बी वाली को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी का कितना आया था 2800, तो 4400 में से जब हम 2800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 1600, यही क्या है, सी की मंथली इनकम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600। आशा करता हूं आपने ऐसे ही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 नंबर दे दिए हैं 42 और
दो नंबर दे दिए हैं, 42 और 39, ठीक है ना। अब देखिए इनका फैक्टर, ये 7 6 हो जाता है, ये 7 7 जा, दो बारी इनके फैक्टर है ना। तो अगर हम इनका एलसीएम ले ले तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर इंटू 6, है ना। देखिए दो बार ये 7 आ रहा है, लीस्ट मल्टीपल इंटू 6। अब एससीएफ की अगर हम बात करें तो दोनों में क्या नंबर कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 7। अब इनका अनुपात लेना है एलसीएम और एससीएफ का, तो अगर एलसीएम और एससीएफ का अनुपात लेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये 42/1, तो 42:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 42:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो उसने 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 10 सेकंड के अंदर पार किया, और एक पोल था बिजली का या टेलीग्राफ उसका टेलीफोन का पोल, उसको 6 सेकंड में क्रॉस किया। जैसे मान लीजिए कि अगर ये टेलीफोन का पोल है, तो एक्चुअल में ट्रेन जो है यहाँ पे अपनी लेंथ को ही तय करेगी, अपनी लेंथ की दूरी जो है तय करेगी। तो मान लेते हैं लेंथ एल हो गई, एस स्पीड से चल रही थी वो, और 6 सेकंड के लिए वो चली, 6 सेकंड में उसने क्रॉस कर लिया। अब क्या है कि 240 मीटर का जो है उसने प्लेटफॉर्म पार करना है, अब उसमें उसकी लेंथ भी जुड़ेगी ट्रेन की, ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म पार करते समय अपनी लंबाई भी तय करता है, लंबाई की दूरी तय करता है, तो यहाँ जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6s, है ना। यहां से ले लेते हैं, स्पीड s मान लेते हैं, और वो प्लेटफॉर्म उसने 10 सेकंड के अंदर पार किया, ठीक है ना। अब देखिए इस 10s में से 6s जाएगा तो 4s बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 240 के, 40 यहां से 60 बारी में चला जाएगा, तो स्पीड जो आ जाएगी इसकी 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और स्पीड भी बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ही कितना हो जाएगा, 12 बारी चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर डी, जहां पे क्या है, स्पीड 216 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब हम चाहें तो इसके अंदर जो है ये 60 मीटर पर सेकंड रख लें, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 6, तो ये 6 6 36, तो 360 मीटर ट्रेन की लंबाई भी हमने निकाली थी, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमने यहीं पर इसका आंसर निकाल लिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपली वही क्वेश्चन मैंने अभी जैसे बताया कि एक पोल को जो है ट्रेन चलती हुई, ट्रेन क्रॉस कर रही है, 35 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है, तो एक्चुअल में वो अपनी डिस्टेंस ही कवर करेगी। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से इंटू कर देते हैं, ये टी टाइम में क्रॉस कर जाएगी, है ना, ये 18 से 5 बारी में चला जाएगा, ठीक है, 5 से ये 7 बारी में चला जाएगा, तो टाइम जो आ जाएगा हमारा 7/5 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कितना, 1.4 सेकंड, है ना, 1.4 सेकंड लगेगा उसको, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करने के लिए ट्रेन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेल की यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी कंपनी में मेल है, उनकी एवरेज सैलरी 52 रुपए है, अब जितनी भी फीमेल है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 42 रुपए। अब टोटल पूरे कंपनी की जो एवरेज सैलरी है वो है 50 रुपए, तो हमें अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 52 में से 50 गया 2, और 50 में से 42 गया, तो बचा कितना, 8, तो इनका अनुपात अगर हम निकाल लेंगे तो 1:4, तो यानी कि 4 पार्ट अगर मेल है उसमें तो 1 पार्ट फीमेल हुआ। इसमें पूछता है कि फीमेल का परसेंटेज निकालना है, तो 1/5, तो 1/5 जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारा 20% होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेल्स टैक्स अगर 3 सही 1/2% से 3 सही 1/3% हो जाए, तो ये बताना है कि 4200 रुपए की गई अंकित मूल्य पे एक आदमी को क्या डिफरेंस आएगा। देखिए सबसे पहले समझे कि सेल टैक्स होता क्या है। सेल टैक्स वो टैक्स है जो सरकार के बदले दुकानदार ग्राहक से वसूलता है। तो मान लीजिए पहले उसका सेल टैक्स कितना था, 3 सही 1/2%, अब जो है सरकार ने सेल्स टैक्स कर दिया 3 सही 1/3%, तो इसको हम ऐसे और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3 × 6 = 7, है ना, 7/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 10/3, है ना। तो अब इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे इधर 3 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे 2 से गुणा कर लेते हैं, है ना, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये 21/6% हो गया, और यहाँ ये 20/6% हो गया, तो यानी कि कितना हो गया, 21 में से 20 गया 6 1, तो यानी 1/6% का सेल्स टैक्स में चेंज आया। अब ये कितने पे आ गया, ये आ गया हमारा 4200 रुपए पे, तो यानी कि अब जो है उसको सेल्स टैक्स जो देना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में 1/6 का सेल टैक्स जो है कम देना पड़ेगा, तो यानी कि ये परसेंट के साइन से ये चला गया, 6 से ये 7 बारी में चला गया, तो 7 रुपए का जो है इसको सेल्स टैक्स अब जो है ग्राहक को कम देना पड़ेगा, पहले ज्यादा लग रहा था अब कम लग रहा था, ठीक है, इसका सही उत्तर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQR जो है एक पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, इनके जो
निवेश का रेशियो होता है कैपिटल का वो कितना होता है, 2/5, 3/4 और 5/8। सबसे पहले हम तो एलसीएम ले लेते हैं, 5/8 और 5/4 और 8 का इसका एलसीएम आ जाता है कितना, 40 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो मान लेते हैं क्या इनका, पहले तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखते हैं। तो देखिए 40 को अगर हम इधर 40 गुना कर दें हर जगह पे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो सब जगह 40 गुना कर दिया तो ये 5 से 8 बारी में चला गया तो ये 16 हो गया, ये 4 से 10 बारी में गया तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये 8 से 5 बारी में गया तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि 4 महीने के बाद पी ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी। तो मान लेते हैं 4 महीने तो उसने यही रखा, अब उसने 16 का 50% कितना होता है यानी आधा 8, तो 16 में 8 कर दिया तो कितना हो गया 24, तो 4 महीना ये रखी, अब बाकी के 8 महीना उसने 24 रुपए रखी। ठीक है, वही क्या करता है क्यू ने 40-30 तो जो है 4 महीने तक रखा, लेकिन क्यू ने 20% इसका घटा दिया, तो 30 का 20% होता है 6, तो 30 में से 6 गया तो बचा कितना 24, तो बाकी के 8 महीने जो है उसने 24 यूनिट ही अपना इन्वेस्टमेंट रखा। अब आर ने कुछ नहीं किया तो आर ने 12 के 12 महीने यही इन्वेस्टमेंट रखी। तो अब हमें क्या करना है कि क्यू का शेयर बताना है इनके एक साल के अंत में जो प्रॉफिट है 28,210 रुपए में। तो देखिए क्या होता है, देखिए ये 4 यहां से कट जाएगा, 4 से ये 2 बारी में घर चला गया, कॉमन ले लिया, फिर ये 4 जो है इस वाले 4 से कट जाएगा यहाँ 2 बारी में, और ये 4 यहाँ 3 में। तो देखिए अब इनका अनुपात कितना आ जाएगा, तो 16 में अगर हम 48 जोड़ देंगे, 14 × 2 = 48, 16 और 48 अगर देखें तो कितना आ जाता है 64। ठीक है ना, 24 × 2 = 48, 30 और 48 अगर देखें तो 78, और 25 × 3 = 75, ये आ जाएगा इनका क्या, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। अब क्यू का शेयर निकालना है, देख क्यू का शेयर कितना हो जाएगा 78 रेशियो, जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 217। ठीक है ना, अब टोटल प्रॉफिट कितना दे दिया साल के अंत में 28,210 रुपए दे दिए। ठीक है, तो देखिए 7 से ये 3 बारी में चला गया, 7 से ये 1 बारी में, 7 × 28 = 0, 7 × 21 इतना, तो 31 से ये 1 बारी में चला गया, 3 बारी में चला गया कंप्लीटली, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 इधर आ गया। तो ठीक है, अब देखिए 8 × 24, तो 40 वाली कौन सी टर्म है, ऑप्शन है, तो 40 वाला एकमात्र एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए, तो ए वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10,140 रुपए क्यू का प्रॉफिट हुआ साल के अंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 14:15:14, तो यानी कि कितना, एक की कमी, ये कितना हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज कितना है 1/15 पे, है ना। अब हमें इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, 5 से 3 बारी में, 5 से 2 बारी में, तो 20/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 सहित 2/3% लिख सकते हैं, है ना, 6 × 18 = 2 = 20, है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें एलसीएम निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का हम एससीएफ निकालते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले का एलसीएम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, और नीचे वाले का अगर हम एससीएफ देखें तो देखिए इसमें 3, 3, 3, सिर्फ 3 एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन है, तो 3 आ जाएगा, तो 10/3 आ जाएगा इसका एलसीएम। ऊपर में अगर एलसीएम बोलता है तो ऊपर में एलसीएम और डिनोमिनेटर यानी अंश का एलसीएम लेंगे और हर का जो है हम एससीएफ लेंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस पर 2% 4 साल के लिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2% 4 साल यानी कि 8% की वैल्यू, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होता है वो पीआरटी होता है ना, PRT/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर और समय जो है गुणा हो जाता है, तो यानी कि 37,500 का हमें 8% निकालना है, तो इस परसेंटेज के साइन से 2 जीरो चला गया, तो अगर 375 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये सीधा सीधा हमारा क्या है 3000 आ जाता है। 8 × 45 = 56 और 4 = 60 हो जाएगा, 8 × 24 = 24 और 6 = 30, तो ये हमारा सीधा सीधा 3000 जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 72 लड़के जो है 280 मीटर की वॉल को जो है 21 दिन में बना देते हैं। देखिए ये MDH वाला फॉर्मूला, M1D1H1/W1, M2D2H2/W2, ये सारे शिफ्टों में रिपीट हो रहा है, तो आप इसको समझ के जाइए अगली शिफ्ट वाले बच्चे। तो ये 72 बॉयज जो है कितना 280 मीटर की वॉल जो है 21 दिन में बना रहे हैं, तो कितने लड़के जो है 18 दिन के अंदर जो है 200 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हमारा क्या है डिवाइड करना है, क्रॉस करना है। देखिए 7 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 7 से ये 4 बारी में चला जाएगा, ठीक है, 40 से ये यहाँ पे 5 बारी में चला जाएगा, 18 से ये जो है यहाँ पे 4 बारी में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 12 = 60, तो यानी कि 60 लड़के जो है ये 18 दिन के अंदर 200 मीटर की दीवार को बना सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की जो है छूट देता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और वो साथ ही साथ एक जो है आर्टिकल फ्री देता है हर 15 आर्टिकल खरीदने पर, है ना, एक वस्तु जो है मुफ्त देता है हर 15 प्रत्येक वस्तु खरीदने पर, उसके बाद भी उसको क्या होता है 35% का मुनाफा होता है। तो हमें ये बताना है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा उसने बढ़ा के कितने प्रतिशत बढ़ा के लगाई है। तो देखिए देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में कि एक आर्टिकल उसको फ्री मिल रहा है 16 पे, है ना, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये जो एक आर्टिकल फ्री दे रहा है वो हर 15 आर्टिकल खरीदने पे, तो इसको 16 से गुना कर लेंगे तो ये 4 से ये 4 बारी में और ये 25 बारी में, तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%, ये डिस्काउंट हो गया। साथ ही साथ वो दूसरा डिस्काउंट क्या दे रहा है वो 4% का, तो यहाँ पे अगर हम नेट डिस्काउंट देखें नेट डिस्काउंट परसेंट तो वो कितना आ जाएगा 4 + 6.25 - 4 × 6.25/100, है ना, तो ये देखिए कितना हो जाएगा ये 10.25। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4, 5, 20, 8 और 9, 10, 6, 24 और 1, 25, ठीक है ना, ये दो डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ रहा है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। अब नीचे 100 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 100 हटते ही तो 10.25 में से 0.25 हट जाए तो बचा कितना 10%। तो एक्चुअल में उसको ये 4% की छूट और ये एक आर्टिकल हर 15 आर्टिकल पे मुफ्त जो है कितने परसेंट की छूट मिल रही है उसको 10% की, इसको कुल मिला के नेट छूट 10% की मिल रही है। तो मान लेते हैं ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो 10% की छूट का मतलब क्या है कि 10 की चीज उसने 9 में दे दी। अब 35% का उसका मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 7 का मुनाफा 20 पे, है ना, तो अगर कोई 20 की चीज रही होगी तो उसने 27 की बेच दी। अब देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर कर लेते हैं, 3 से यहाँ गुना कर लेंगे, है ना, तो ये देखिए 30 की चीज, यानी कि कोई 20 की चीज रही है जो उसने अंकित मूल्य बनाने के लिए 10 बढ़ा दिया, तो ये 10 बढ़ाया है किस पे, ये 20 पे, 100 से गुना कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 20 से ये 5 बारी में चला गया तो आ गया हमारा कितना, ये 50% इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 50%। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो पुरुष और एक महिला एक साथ किसी काम को 14 दिन में पूरा करती हैं, वहीं पे वही उसी काम को 4 महिला और 2 पुरुष मिलकर 8 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है, यदि एक प्रति एक पुरुष को जो है प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो हमें महिला को कितना मिलेगा वो बताना है। देखिए ये कैसे करेंगे इसको, दो पुरुष प्लस एक महिला किसी काम को 14 दिन में करती है, वही 4 महिला 2 पुरुष जो है उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, तो ये 2 से 7 बारी में चला जाएगा, 2 से ये 4 बारी में चला जाएगा, तो यहाँ 14 आदमी 7 महिला हो गया और यहाँ 16 औरत और 8 मर्द हो गए, है ना, तो यहाँ पे 14 इस 8 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आदमी, ये 7 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 औरत, तो यहाँ महिला पुरुष और औरतों का जो अनुपात आ जाएगा उनकी कार्य कुशलता का वो कितना आ जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा। तो देखिए ये 3 की ही वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 600 रुपए, यहाँ पे जो है पैसा जो मिलेगा वो उनकी एफिशिएंसी कार्य कुशलता के हिसाब से मिलेगा, तो ये सीधा सीधा जो है 200 गुना है, तो ये भी यहाँ से 200 गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 400, तो प्रत्येक महिला को कितना पैसा मिलेगा 400 रुपए प्रतिदिन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक कर्मचारियों की सुरक्षा जूता जो खरीदने का बजट है किसी कंपनी का वो 60% से इंक्रीज कर गया इस साल, तो 60% का पहले मतलब समझिए, 60% का मतलब क्या होता है, तो ये यहाँ से दो से 3 बारी में 2 से 5 बारी में, मान लेते हैं कि पहले जो अगर 5 था उसका बजट, अब 3 बढ़ के कितना हो गया 8, है ना, ये हो गया हमारा बजट, ठीक है, बजट जूते खरीदने का। यदि जो जूते की कीमत है वो 20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ने का मतलब है एक का बढ़ाव 5 पे, अगर 5 रुपए का एक जूता आता था तो अब बढ़ के कितने का आएगा 6 का, तो देखिए बजट हो गया, ये प्राइस हो गया, तो यानी कि अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक जूता इसमें पता चल जाएगा हमें कि पहले कितने जूते मिलते थे तो खरीदे जाते थे कंपनी के द्वारा, अब कितने जूते खरीदे जाएंगे, क्योंकि टोटल प्राइस से सिंगल एक के प्राइस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जूते पता चल जाएंगे। देखिए 5 से ये 5 चला गया, 2 से ये 4 बारी में चला गया, 2 से ये 3 बारी में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शूज की बात हो गई है, है ना, तो 3 जूते अगर पहले खरीदे जाते थे तो अब 4, तो यानी एक का इंक्रीमेंट, तो एक का इंक्रीमेंट 3 पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसी को हम जो है 33 / 1/3% कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है
कि दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है 3:7 दिया हुआ है, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का 3:7, यदि 10 लीटर पानी ऐड कर दें तो जो अनुपात हो जाता है 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है, क्या ऐड करने पे, पानी वाटर ऐड करने पे, मिल्क जो है सेम रखना चाहे हमें सेम रखना है तो 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 7 से कितना बढ़ रहा है, ये 7 से 9 यानी कि 2, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 लीटर, जो सीधा सीधा 5 गुना है। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है कि शुरुआत में दूध की क्या संख्या क्वांटिटी रही वो बताइए, तो दूध 3 यूनिट था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 गुना आ रही है तो 3 की 5 गुना यानी कि 15 लीटर, तो यानी कि शुरुआत में जो दूध था वो कितना था 15 लीटर, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है 15 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक अमाउंट जो है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक अमाउंट जो है 700 रुपए हो जाता है 4 साल में। देखिए एक ये प्रिंसिपल है, यहां से ये 4 साल की अगर हम बात करें तो ये 700 रुपए हो जाता है, फिर अगले 4 साल के अंदर वो कितना हो जाता है 1000 रुपए, यानी कि ठीक है शुरुआत से 8 साल में और 7 साल इसके बाद, तो देखिए कि किस रेशियो में बढ़ रहा है ना, तो देखिए ये किस रेशियो में बढ़ा, ये 1000/700 रेशियो में बढ़ा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये प्रिंसिपल जो है 4 साल में 1000/700 रेशियो में बढ़कर कितना हो गया होगा, ये 700, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, तो प्रिंसिपल जो आएगा ये कितना आ जाएगा 490 रुपए। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 490, क्योंकि जिस अनुपात में 4 साल में इधर बढ़ा है उसी अनुपात में वो 4 साल में इधर भी बढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट यानी ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इसलिए 1000 वाली चीज यानी कि जो ये बाद वाली चीज है ये हम ऊपर रखते हैं और ये पहले वाली नीचे रखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा के से वो 195 किलोमीटर कितने देर में चल लेगी, तो सिंपली क्या है इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये सीधा सीधा हमको जो है ये 3 बारी में दिख रहा है, तो यानी कि 3 घंटे में ट्रेवल कर लेगी, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 दोस्त जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, तो वो एक राउंड कितने में 24 सेकंड 36 सेकंड और 30 सेकंड में कवर करता है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 24 36 30 का एलसीएम होता है 720 सेकंड, अब मिनट में बात हो रही है तो इसको हम 60 मिनट से डिवाइड कर लेंगे मिनट के लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एंटनी और बेटी की जो अनुपात है उम्र का वो 8:9 दे रखा है ना, अभी का 4 साल के बाद जो है इनका अनुपात 9:10 हो जाता है, यानी कि दोनों में देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए इनका डिफरेंस देखते हैं, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 1 यूनिट का बढ़ाव हो रहा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो ये 8 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 गुना 32 और इसकी भी 4 गुना हो जाएगी 36, तो इनकी उम्र आ जाएगी 32 और 36 साल, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है सिंपली ऐड करना है, तो इसमें पूछ रहा है कि इन 7 साल के अंदर जो है कौन सी ऐसी बैटरी है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, बिक्री ज्यादा, सेल ज्यादा हुई है, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। तो देखिए ये था इस वीडियो का एंड, अभी हमने 25 अगस्त की पहले शिफ्ट के मैथ्स के कंप्लीट क्वेश्चन देखे एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द आपको आज की सेकेंड शिफ्ट की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए एग्जाम बर्ड चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।